हेलो गाइस, मैं मंजूर सिद्दीकी सीजी मास्टर ग्रुप डॉट कॉम की तरफ से। गाइस आज स्टार्ट करते हैं हम, आज जो है कि हम किस तरीके से अपना इस तरीके का लोगो बना सकते हैं और पार्टिकल्स किस तरीके से देते हैं और वो भी ब्लेंडर के अंदर। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट। बेसिकली मैंने आपको एक इंट्रो के लिए ये बना के दिखाया था, ये देखिए, ठीक है। एंड मैं इसको प्रिंट को ऑफ कर देता हूँ और आप देखिए, ठीक है। एंड कुछ इस तरीके का तो हम स्टार्ट करते हैं अपना गाइस। न्यू फाइल ओपन करते हैं। न्यू फाइल को ओपन करने के बाद जनरल के अंदर एंड कैंसिल, मेरे पास कैश फ्रंट है, अपना पर्सपेक्टिव व्यू है और मेरे पास साइड व्यू है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ सिंपली जो है अपना टैक्स लेता हूँ, जो मेरे लिए टैक्स मिलता है टैक्स। एंड रोटेट करते हैं हम एक्स एक्सिस 90 डिग्री, ठीक है। और फिर चेक किया एंड वन, और टेक्स्ट के लिए एडिट करते हैं, ठीक है गाइस। मैं लिखता हूँ सीजी फिर टाइप एंड कंट्रोल डी डुप्लीकेट जेड एक्सिस नीचे लेके आए गाइस। उसके बाद हमने फिर क्या करा, इसको भी एडिट किया और यहाँ लिखा मास्टर ग्रुप, ओके गाइस। एंड टैप प्रेस किया। टैप प्रेस करने के बाद गाइस हम क्या करते हैं, आते हैं यहाँ, ठीक है गाइस, और क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम आते हैं अपना सेंटर, ठीक है। और इसको भी हम गाइस क्या करते हैं, सेंटर, कूल। उसके बाद गाइस जो हमारे पास हमारा टेक्स्ट है, हम क्या करते हैं इसको स्केल करते हैं, क्योंकि हमारा सीजी जो है वो बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा, कुछ इस तरीके से। एंड सेलेक्ट करते हैं दोबारा। अभी आप देखते हैं कैसे केवल 2D है, मुझे इसको 3D में कन्वर्ट करना है टेक्स्ट के लिए। तो हम क्या करते हैं, आते हैं ज्योमेट्री के अंदर कैसे, ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर, और फिर ज्योमेट्री, और यहाँ एक्सट्रूड आ रहा है, मैं करता हूँ 0.1, ठीक है, एक्सट्रूड हो गया। उसके बाद इसको भी हम 0.1 करते हैं। तो यहाँ चेक करते हैं टॉप व्यू से गाइस, ठीक है। तो प्रॉब्लम खिस हो रही है हमें इसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैंने इसको स्केल कर दिया है इसलिए ऐसा आया। तो हमने सेलेक्ट किया और इन सब को सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल ए ऑल ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली वैसे भी मुझे नीड नहीं है। सेलेक्ट करते हैं फिर दोबारा और इसके साथ गाइस अभी देख रहे हैं, अब ये हार्ड हैं एज, इनको हमें करना है सॉफ्ट करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, बेबल, यहाँ डेप्थ आ रहा है, यहाँ अगर 0.1 एंड सेलेक्ट किया यहाँ पर गाइस एंड 0.1, ओके, सॉरी 0.01, ओके 0.01, ओके, हो गया गाइस हमारा। हम इतना जो है टेक्स्ट हमने बना के तैयार कर लिया। अब हमें क्या करना है गाइस, इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करना है। जो मटेरियल मेरा कुछ इस तरीके का आपको शो होगा, मैंने अपना डेस्कटॉप दिखा रहा हूँ आपके लिए गाइस, ठीक है। तो हम फिर यहाँ आए और हमने क्या किया, सिलेक्ट किया अपने टेक्स्ट के लिए। दोनों टेक्स्ट मेरे अलग अलग हैं, बेसिकली मैंने खुद ही अलग किए हैं आपको अलग अलग उस पर मटेरियल के लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गाइस सीजी लिखा हुआ है उस पर हम अपना मटेरियल चेंज करते हैं। हम सबसे पहले आते हैं लास्ट ऑप्शन, ठीक है, व्यू पोर्ट सेटिंग, जो व्यू पोर्ट पर हमारा सेट है उसको चेक करने के लिए हमने लिया। एंड अभी आपको दिख रहा है सर गाइस जो है हमारा व्यू पोर्ट ग्रे कलर का हो रहा है। हमें करना है इसका यहाँ आके, ठीक है गाइस, वर्ल्ड के अंदर ये कलर के अंदर गाइस आए और इसको फुल्ली ब्लैक कर देना है, जिससे कि हमारा कोई भी पार्ट यहाँ पर शो ना हो, ओके गाइस। उसके बाद यहाँ आते हैं एंड यहाँ शैडो मोड लेते हैं, या आप यहाँ से ना करो तो आप यहाँ शेडिंग नोट से भी ओपन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बेसिकली मैं लेआउट में मैं यहाँ पर 3B इसमें ही वर्क करता हूँ, तो मेरी यही आदत पड़ गई है। तो हम यहाँ आए सी जी के अंदर, मैं यहाँ रिनेम कर लेता हूँ इन्हें एक बार सी जी, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मास्टर ग्रुप, तो यहाँ नाम दे देते हैं हम मास्टर मास्टर ग्रुप। और फिर आते हैं अपने सी जी के ऊपर, सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से आते हैं सेट एडिटर, क्लिक किया एंड एन, उसके बाद न्यू अप्लाई, ओके। न्यू अप्लाई करने के बाद गाइस हम आते हैं यहाँ और
चेक करते हैं अपना मटेरियल, तो मेटेलिक फुल कर देते हैं हम गाइस कुछ इस तरीके से। देखिए इस पर मेरा मेटेलिक फुल हो गया, मैं कम करूँगा तो वो उसी के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ओके उसके बाद गाइस हम जो है रफनेस है हमारे पास, रफनेस को अभी कुछ नहीं छेड़ना। हम क्या करते हैं, अब मुझे कुछ अपना इफेक्ट चाहिए ब्लैक कलर का इस तरीके का गाइस। ठीक है आते हैं हम फिर दोबारा अपने इसके अंदर और फिर शिफ्ट ए प्रेस करते हैं गाइस एंड यहाँ पर देते हैं कलर। ठीक है एंड आ रहा है हमारा कलर रैंप, मैंने फर्स्ट कलर रैंप लिया अपना गाइस। अब बेसिकली मैं जो है अपने ब्लेंडर के ही ट्यूटोरियल बनाऊंगा वी एफ एक्स के अकॉर्डिंगली, जो मोशन ग्राफिक होता है उसके अकॉर्डिंगली। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें एंड शेयर भी करें, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी कुछ सीख पाएँ अच्छे तरीके से। तो मैंने लिया कलर रैंप एंड नॉइस। ठीक है गाइस नॉइस टेक्चर एंड क्लिक आ गया। उसके बाद मैं कंट्रोल टी से यहाँ पर ले लेता हूँ कंट्रोल टी। ठीक है एडिट के अंदर आप जाओगे यहाँ पर तो यहाँ आपके लिए ऑप्शन मिलेगा एडिट के अंदर प्रेफरेंस के अंदर। ठीक है गाइस वाई सॉरी ये है, तो मैंने यहाँ से ऑन कर रखा है इसके लिए। हम क्या करते हैं कैंसिल करते हैं एंड कंट्रोल टी को हटा देते हैं बेसिकली, जो आपके समझ में ना आए मैं सिर्फ बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। शिफ्ट ए किया मैंने एंड किया मैपिंग। ओके मैपिंग आ गया क्लिक गाइस। उसके बाद मुझे कोऑर्डिनेट लेना है शिफ्ट ए सी ओ टेक्सचर कोऑर्डिनेट। ठीक है गाइस उसके बाद हम क्या करते हैं वर्टेक्स वेक्टर को वेक्टर एंड यहाँ पर मेरा ये ऑब्जेक्ट है तो मैंने क्या करा यहाँ से ऑब्जेक्ट को वेक्टर से कनेक्ट कर दिया। अभी इफेक्ट नहीं आया क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट नहीं किया, तो मैंने कलर को लिया एंड फैक्टर से कनेक्ट कर दिया एंड फैक्टर जो है गाइस मेरा जो कलर है इसको मैं किससे करता हूँ रफनेस से। ठीक है गाइस रफनेस से कनेक्ट कर दी, आपने देखा ये देखिए हल्का सा इफेक्ट आया एंड फिर हम करते हैं रफनेस से। उसके बाद गाइस हम क्या करते हैं जो हमारे पास में ग्रेडियंट की टैब है कलर रैंप की, मैं इसको हल्का चेंज करता हूँ। ये देखिए हो रहा है चेंज, ये देखिए। उसके बाद गाइस इसको हम हल्का चेंज करते हैं, तो अभी जो इफ़ेक्ट चाहिए वो हमको नहीं मिल पा रहा है, तो हमें करना होगा ठीक है यहाँ ये जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए एंड फ्लिप कर दीजिए गाइस। ठीक है फिर हम क्या करते हैं गाइस हल्का सा इसको चेक करो थोड़ा सा पीछे एंड थोड़ा सा इसको पास लेके आओ एंड ठीक है। ठीक है अब हमें क्या करना है गाइस जो है हमें इसमें हल्की सी बम्पीनेस चाहिए, चाहूँ तो नहीं चाहूँ तो कोई बात नहीं गाइस हमें बम्पीनेस चाहिए। तो हमने करा शिफ्ट के साथ ए प्रेस किया यहाँ पर एंड यहाँ दिया यू एम पी बम्प एंड क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हम आए अपने नॉर्मल एंड नॉर्मल। ठीक है गाइस एंड नॉइस का जो टेक्चर है गाइस हमारा हमने इसको सिलेक्ट किया और किसके साथ करा हाइट के साथ कनेक्ट। ठीक है किसके हाइट के साथ, जैसे ही मैं इसको हाइट के साथ कनेक्ट करूँगा तो जहाँ मेरा अपना ब्लैक पार्ट है उसको वो क्या करेगा डेप्थ देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं अपने रफनेस को, यहाँ से रफनेस से हटा दीजिए आप क्योंकि हमें इसकी नीड नहीं, हमने केवल ये एक बम्प के लिए बनाया था। उसके बाद शिफ्ट के साथ ऊपर वाले जो हमारे जो कोऑर्डिनेट हैं इनको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करो एंड डी डुप्लीकेट निकाल लिया इसको ऊपर रख दो गाइस। फिर गाइस यहाँ आते हैं हमारे पास जो हमारा सरफेस है इसको सेट से ले लेते हैं थोड़ा सा एंड शिफ्ट ए दोबारा शिफ्ट सॉरी एंड यहाँ लिया मिक्स शेडर एंड क्लिक किया क्लिक। ठीक है तो हमारा ये फैक्ट कलर है ये किससे आ जाएगा फैक्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है एंड हमारा ये बच्चा एक और सेट है तो यहाँ हम क्या करेंगे एम यहाँ पे लेना है इमिशन। ठीक है गाइस इमिशन क्लिक किया एंड सेलेक्ट। ठीक है अभी शो नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी इसको चेंज नहीं किया है। अब मेरा जो है व्यूपॉइंट सेटिंग का ऑप्शन आ गया, अब आप देख रहे हैं वाइट आ गया, तो वाइट जो है हमारी वो इमिशन का है। मैं यहाँ लाइट बढ़ा लेता हूँ समथिंग करता हूँ 50। ठीक है एंड कलर को चेंज कर लेते हैं हम अपने समथिंग
नीचे लाओ हल्का डार्कनेस के लिए, उसके बाद थोड़ा ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें जो है हमारे लिए ग्लो टाइप का इफेक्ट नहीं मिल रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ना होगा ठीक है, कटिंग रेंडर के अंदर एंड यहाँ ब्लूम को ऑन करना है, फिर इसको फिर चेंज करते हैं हम हल्का सा को ठीक है गाइस। वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा हल्का सा मुझे फिर हमारा गाइस बन गया। अब अगर आप चाहते हो कि मेरा मास्टर ग्रुप पर भी यही कलर आए जो मेरा मास्टर ग्रुप है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके करना है इसको कॉपी यहाँ तक कंट्रोल सी ठीक है, एंड मास्टर ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं हमारे पास जो मास्टर ग्रुप है, और यहाँ पर न्यू सेटर लेते हैं। हमारे पास जो सेटर ये है ऑलरेडी लगा हुआ प्रिंसिपल BDF, इसको हम क्या करते हैं डिलीट करते हैं एंड कंट्रोल वी करते हैं गाइस। यहीं पर जो हमारे पास सेटर है ये, इसको सीधा सिंपल तरीके में मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ ठीक है। ये देखिए, तो मुझे बेसिकली कलर में क्या चाहता हूँ कि मेरा जो ऊपर वाला कलर है ये तो ठीक है, बट इसका कलर मुझे चेंज करना है, जो मेरे पास कलर है इमिशन का उसे चेंज करना है। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हम कोई अलग कलर ले लेते हैं अपना डिफरेंट जो है जोन सा भी आपको बेटर लगे। ठीक है गाइस, कुछ इस तरीके से। अभी मेरा जो है कैमरा मैंने लगाया नहीं है, शिफ्ट ए प्रेस कीजिए गाइस और कैमरा कंट्रोल के साथ में इसको भी पोर्ट को सेट करिए और कंट्रोल ऑल्ट एंड ज़ीरो ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट ज़ीरो मेरा ये बन गया गाइस। एक लोगो मैं अगर चाहूँ तो रेंडर निकाल सकता हूँ और चाहूँ तो एनिमेट भी कर सकता हूँ इस लोगो के लिए ठीक है। ये देखिए कुल गई। उसके बाद हम क्या करते हैं गाइस, ठीक है गाइस, इसको सेव कर लेता हूँ मैं, हो सकता है क्रैश हो जाए मेरा, तो मैं आता हूँ अपने के अंदर सीजी मास्टर ग्रुप के अंदर। यहाँ मैं देता हूँ अपना नाम सीजी मास्टर ग्रुप 2 टोरिया एंड सेव। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा तैयार जीरो।
अब गाइस मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ पार्टिकल्स का इफेक्ट चाहिए, कुछ इस तरीके का, ठीक है गाइस। तो हम वो भी बना सकते हैं, वो किस तरीके से, थोड़ा सा गाइस ये एडवांस का पार्ट होगा जो आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। हमने क्या किया गाइस, सेलेक्ट किया अपने एक शिफ्ट ए किया एंड लिया के पहले मैं क्या करता हूँ गाइस, जो मेरे पास कैमराज है एंड मेरा लिखा हुआ है जो है पार्ट, मैं इसको करता हूँ, यहाँ नाम दे देता हूँ अपना सी जी मास्टर ग्रुप, ठीक है। एंड क्लिक एंड मैंने क्या करा, यहाँ पर यहाँ दिया मैंने पार्टिकल प्लेन, ओके गाइस, मैंने करा पार्टिकल प्लेन एंड यहाँ पर जो पार्टिकल्स प्लेन है इसको सिलेक्ट किया। एक मैं और करता हूँ गाइस, यहाँ पर न्यू फाइल, जिससे कि मैं अपनी सारी लेयर्स एक ही कलेक्शन के अंदर रख लूँ, सारी कलेक्शन, उसके लिए मैं देता हूँ यहाँ पर ऑल, ठीक है, कलेक्शन, ठीक है गाइस, एंटर। एंड जितने मेरी कलेक्शन है, ये वाला, इन सबको मैंने क्या करा, एक कलेक्शन के अंदर डाल दिया। और देखिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने करा था, मैंने प्लेन लिया, पार्टिकल प्लेन एंड सेलेक्ट किया शिफ्ट ए, ओके गाइस, शिफ्ट ए के साथ मैंने क्या करा, प्लेन लिया, जो मेरे पास प्लेन है, बेसिक प्लेन लिया एंड मैंने इसको स्केल किया थोड़ा और इसको क्या करा गाइस, ऊपर को मूव कर दिया, कूल। एंड ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर स्पेयर लेना है गाइस, तो हमने करा शिफ्ट के साथ ए एंड स्पेयर, यूवी स्पेयर क्लिक किया, यूवी स्पेयर ये आ गई। मैंने क्या करा गाइस, यहाँ आए हम और इसको अपने कैमरे एंगल से अलग रख दिया, लागे एग्जांपल के लिए समथिंग यहाँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर मेरे पास स्पेयर है, मैंने क्या करा सेलेक्ट किया स्पेयर के लिए एंड एम न्यू कलेक्शन, ये हमारा क्या है, पार्टिकल्स का कलेक्शन है, हमने दिया यहाँ पर नाम पार्टिकल, ओके गाइस, एंड पार्टिकल्स क्लिक। उसके बाद शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया एंड शिफ्ट डी डुप्लीकेट एंड मूव, स्पेयर वन स्पेयर टू के नाम से आता रहेगा एंड दोनों को सिलेक्ट करोगे गाइस, यहाँ शिफ्ट डी डुप्लीकेट, कूल, ये कलेक्शन हमारे पास आ गया। हमें करना है स्पेयर वन को पहले सिलेक्ट किया और यहाँ न्यू क्रिएट किया हमने अपने लेयर के लिए, मेरे लिए अब प्रिंसिपल वीडीएफ की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं मुझे। मैंने करा शिफ्ट के साथ यहाँ पर मटेरियल दूसरा लिया ईएम इमिशन एंड एंटर क्लिक, ठीक है गाइस, कंट्रोल सी किया मैंने इसको। उसके बाद इसका मैंने क्या करा, नाम वो सॉरी स्ट्रेंथ चेंज की 20, उसके बाद कलर मैंने दूसरा लिया जो सा भी आपको अच्छा लगे, ऐसा कुछ नहीं कि हाँ जो मैं ले रहा हूँ वही आप यूज़ करो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने क्या करा, अपने स्पेयर टू को सिलेक्ट किया और फिर न्यू कलेक्शन किया, न्यू कलेक्शन करने के बाद गाइस हटाया इसे एंड डिलीट कंट्रोल वी, मैंने कॉपी कर लिया था वहाँ से इसको एंड यहाँ पर भी 20, उसके बाद सिलेक्ट किया जिस तरीके का भी आपको कलर चाहिए, मुझे समथिंग कूल। उसके बाद फिर सिलेक्ट किया न्यू कलेक्शन डिलीट और सॉरी कंट्रोल वी क्लिक, फिर गाइस मैंने कर लिया समथिंग ये वाला और स्ट्रेंथ 20, हम एक काम करते हैं गाइस, मेरे पे आ नहीं रहा तो हम डिलीट करते हैं इसे, दोबारा सेलेक्ट करते हैं एंड न्यू डिलीट एंड कंट्रोल वी सिलेक्ट स्ट्रेंथ एंड 20, आ रहा है लेकिन वो प्लेन के ऊपर है इसलिए मैं शो नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मैंने क्या करा, इसको कलर को चेंज किया गया इस थोड़ा ब्लू ने, ठीक है। उसके बाद इसको सिलेक्ट किया न्यू डिलीट
कंट्रोल वी सेलेक्ट सरफेस एंड क्ले, कलर को इसका भी एक मैं ले लेता हूँ समथिंग एंड स्ट्रेंथ 20, कूल ठीक है। अब गाइस ये हो गया हमारा, बट मुझे क्या करना है अभी देख रहे हैं आप यहाँ पर आ रही है, तो मुझे करना है इन सब को सेलेक्ट करके ऊपर, सॉरी इनको इसको सबको सेलेक्ट करके इतना दूर लेके जाना है कि कैमरे एंगल के पास ये शो ना हो पाए। तो मैंने सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ इसको भी एंड मूव, ठीक है 0 0, ये देखिए शो तो नहीं हो पा रहे, कूल। उसके बाद हमने ऑफ़ किया, हमारा कलेक्शन अलग है ये, तो हमने इस कलेक्शन को भी लिया एंड इस कलेक्शन को हमने ऑल कलेक्शन के अंदर डाल दिया, आ गया। उसके बाद जो हमारे पास गाइस प्लेन है, जो मैंने प्लेन बनाया है ये, इसको सेलेक्ट किया एंड आए हम यहाँ पर पार्टिकल्स के अंदर एंड प्लस किया। प्लस करने के बाद हमारे पास इमिशन है, इमिशन को इमिशन पे ही रहने देना है एंड रेंडर सेटिंग है गाइस। रेंडर सेटिंग के अंदर अभी यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट करूँगा तो ऑब्जेक्ट पे आएगा, होलो पे है तो होलो पे आएगा, होलो तो आपको पता ही होगा बेसिकली, कुछ इस तरीके का इफेक्ट आएगा। मुझे करना है अपना कलेक्शन लेना है, तो मैंने कलेक्शन लिया, ठीक है कलेक्शन लिया। कलेक्शन लेने के बाद में यहाँ आ रहा है इंस्टेंशन, तो हमारे पास जो हमने स्टैंड किया अभी हमारा क्या था, जो मैंने बनाया है पार्टिकल्स, ठीक है ये वाला अभी बनाए थे पार्टिकल्स, तो वो ये शो होने लगे एंड प्ले, कूल। अब मैं 0 प्रेस करता हूँ 0 एंड मूव करके दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर रेंडम वैल्यू बढ़ा सकते हो इसकी, कोई छोटा कोई बड़ा आपको शो होगा, ठीक है। आप चाहो तो कम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड फिर प्ले करते हैं एंड चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक रेंडर निकाल के दिखा देता हूँ आपके लिए, ठीक है गाइस, कुछ इस तरीके का। अगर आप थोड़ा सा इसके जो है पार्टिकल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो पार्टिकल्स आप यहाँ से 1000 के 10,000 कर दो, नो प्रॉब्लम एंड प्ले एंड फ्री रेंडर, ओके कूल। तो गाइस कुछ इस तरीके के इफेक्ट हम ब्लेंडर से बना सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलूंगा गाइस मैं आपके लिए नेक्स्ट स्टेप लेके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें गाइस।